देखा आपने कितना रसिया है मेरा पात्र और कितना रंगीन मिजाज, कितना दिलचस्प है योगी से भोगी बनने का सफर। कभी कभी लगता है कि मैंने जरूरत से ज्यादा ही बोझ डाल दिया है इस योगी पर, लेकिन अब कमान से निकले हुए तीर और मुंह से निकली हुई बात की तरह कुछ भी वापस नहीं लिया जा सकता, और उसकी जरूरत भी क्या है भाई। आपको मजा ना आए तो लानत है मुझ पर। हाय मदर। हाँ बेटा। ये क्या चल रहा है तेरा? माणिक मेरे राधा फादर, अरे इतनी लड़कियां देख चुका है अब तक, कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही है तुझे? अजी इसे तो इंद्रलोक की परी चाहिए। परी क्यों? महादेविया भाई की लड़की किस परी से कम है, लेकिन इसे हर लड़की में कोई न कोई नुक्स नजर आ जाता है। जरा सांस तो लेने दो उसे, तुम लोग तो उसके जंग के पीछे पड़े हो। आ बेटा बैठ। थैंक यू मदर। एक्सक्यूज मी। जान के पीछे तो ये पड़ा है, पछा भाई की लड़की में क्या कमी है बोलो? कहा तो था उसने लंबी है लड़की। अरे लंबी है तो क्या हुआ, ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहन सकता? जब देखो ताने मारता रहता है। ताने न मारे तो और क्या करे, खुद अमेरिका पहुंच गया, अपने भाई का भी ख्याल किया है कभी? कितनी बार कहा है तुमसे नहीं जाना मुझे अमेरिका। अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या कहे। अब तेरा कब तक चलने वाला है? फादर 12 लड़कियां देखनी है मुझे, देखने के बाद मैं डिसीजन बता दूंगा, हमेशा भड़कने की कोई जरूरत नहीं। मुकद्दर पे तो तलवार चला ही दी तूने, अब जबान भी चलाने लगा। ए, क्या बके जा रहे हो? मैं बके जा रहा हूँ? दहेज लेने से इनकार कर दिया है इसने, बिरादरी में बदनामी फैल गई है कि लड़के में जरूर कोई ना कोई दोष है। मैं दहेज नहीं ले रहा हूँ, यही दोष है मेरा। अरे कहाँ जा रहा है? well, मेरा एक अपॉइंटमेंट है मेरा, you know? एक मिनट जरा इधर आ, इधर आ। मुंबई का फोन आया था। तो वो उस औरत का पता लगाना चाहते हैं जिसके साथ देव भाई का चक्कर चल रहा है, और तेरा और देव भाई का तो अच्छा पड़ता है, किसी भी तरह उसका पता लगाना है। पता भी लग जाएगा जल्दी, क्या है फादर? क्या डेम्पुर जैसी बातें करता है, जल्दी पता लगाना है। जीतू को अमेरिका भेजना है कि नहीं? पर वो तो अमेरिका जाने को तैयार ही नहीं है। तू उसकी बात छोड़, अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ फादर। आइए सर। क्या अभी वक्त नहीं आया सर? क्या मतलब? मतलब ये आप ही का कमरा है। मेरा कमरा है तो अंदर कौन बैठा है? बुला के बुला गए। नाउ हाय, व्हाई आर पटेल? नमस्कार, मेरा नाम पद्मा है। और प्यार से ये लोग आपको क्या कहते हैं जी? मेरा मतलब है घर का नाम पद्मा। ऐसे भी पद्मा वैसे भी पद्मा, वंडरफुल। और आप? मेरा भाई है छोटा, परेश। हाय हाय, क्या करते हो? आपका इंतजार। नो नो, आई मीन स्कूल वगैरह। विद्यालय जाता है। ओह ग्रेट, वंडरफुल। हैव अ सीट, बैठिए ना, बैठिए। क्या लेंगे आप? आपका थोड़ा सा हुआ। नहीं मेरा मतलब है कुछ खाने पीने का। नहीं, आज की इस घड़ी में खाना मेरे लिए वर्जित है। हाँ, जहाँ तक गला गीला करने का सवाल है तो चूंकि आज बृहस्पतिवार है इसलिए कोई भी पेय पदार्थ जो गाढ़ा हो पिया जा सकता है। गच्छा गच्छो गच्छामि। क्या? नहीं, वो संस्कृत रिवीजन स्कूल में पढ़ा था, सोचा कहीं आज जरूरत न पड़ जाए। तो क्या लेंगे आप? मैं दूध ले लूंगी और परेश बाहर भोजनालय में बैठ कर कुछ अल्पाहार कर लेगा। कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं, अधिक नहीं खाता है परेश। नहीं नहीं, ये सब आप जो कह रही हैं, थोड़ा हिंदी में बातें हुई तो चलेगा ना? मैं चेष्टा करती हूँ। ओह सॉरी, ट्राई करती हूँ। दैट्स बेटर। नाउ हेलो, रूम सर्विस? यस सर। दिस इज 301, गेट मी 1 मसाला मिल्क एंड अ ब्लैक कॉफी प्लीज। यस सर। थैंक यू। Now, your order, sir. अरे इतनी जल्दी, उधर फोन और इधर आप ज्योतिषी हैं क्या? अरे इनके क्या कहने। थैंक यू सर, आपके सवाल के दो जवाब हैं। एक तो ये कि समझदार को इशारा काफी है, और दूसरे ये है कि अमेरिका से शादी के ख्याल से आए हुए हर लड़के के नक्षत्रों का हिसाब किताब एक जैसा होता है। चले सर। जल्दी करना दीदी। Oh.
योर मिल्क और मैं अभी आया। यहीं पढ़ लीजिए ना। पढ़ लीजिए मतलब? मेरी राशि के बारे में जानना चाहते हैं ना। राशि? इसमें शर्माना कैसा, जब आप यहाँ आए तो मैं भी तो यही पढ़ रही थी। ओह, यू मीन इस किताब से? लड़कियों से मुझे क्या, मेरे पास तो अपनी ही किताब है, मेरे मतलब की। यू मीन ज्योतिष द्वारा पति का चुनाव? जी हाँ, और लड़कियों की तरह लड़कों की भी 12 किस्में होती हैं। रियली? तो बताइए मैं किस वैरायटी का हूँ? पहले आप मेरी वैरायटी तो पढ़ लीजिए। ओके, एक काम कीजिए, आप ही पढ़ लीजिए। जी, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता। नेवर माइंड, प्लीज पढ़िए। कन्या जाति की कन्या किसी अलौकिक नृत्य नाटिका की भांति शिष्ट होती है। संस्कार, सुरुचि, अभिजात्य, ये सब कन्या राशि की कन्या के लक्षण हैं। रुदन इस बाला का सहज लक्ष्य नहीं, क्रोध उसे कदाचित ही आता है, उदासी उसे कम छूती है। जीवन के प्रत्येक चरण में वो सावधान रहती है। उसकी देहयष्टि ऐसी होती है जैसे ब्रह्मा ने सूक्ष्म यंत्रों से स्वयं रची हो। देहयष्टि वर्णन अच्छा करता है, इसीलिए तो पढ़ती हूँ, वरना ज्योतिष तो मुझे इससे कहीं ज्यादा आती है। ओ या? तो आप कर दी है विश्वास? आप नहीं करते विश्वास? यस, अंधविश्वास नो। आपकी पीठ पे एक काला तिल है ना? What? आपका अमेरिका में कोई चक्कर चल रहा है ना? है? पर घर वालों ने फंसा दिया। लेकिन आप अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, और जो ना करते तो खैर जाने दीजिए। अच्छा, अब आप पूछिए कोई सवाल अपनी जिंदगी के बारे में। जैसे आज से ठीक 4 दिन पहले आपको एक लड़की मिली थी शहर से बाहर। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती, पर उसने आपको हैरान कर दिया था। ठीक, लड़की हैरान? याद कीजिए, उसने अपने बाल बनाए थे और आपको कैसे मालूम? यही तो मेरी विद्या है। कमाल है। कमाल तो सब आपकी राशि का है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपकी राशि है वृश्चिक। ठीक ठीक, आपका राशिपति मंगल। ठीक होगा, मैं भी। अपना लगन बताइए। लगन मींस? खैर जाने दीजिए, अपने जन्म का समय तो मालूम होगा। श्योर 962। जरा मेरा बैग उठाइए। श्योर। समय 7 o'clock in the morning. जन्म स्थान? अहमदाबाद, सरसपुर। आपकी राशि वृश्चिक, लग्न वृश्चिक, और 5वें गृह में मंगल योग। मतलब गुड है या सो? देखिए गुड भी है और हाँ, बोलिए बी फाइन। ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि आप शादी किससे करते हैं। Okay. एक विशिष्ट लड़की से जो शादी की तब तो समझिए सब मजा ही मजा, और जो दूसरी से की तो बोलिए ना। आपकी मौत। क्या दीदी, चलना नहीं? तुमने आइसक्रीम खाई? हाँ खाई। जाओ एक और खाओ। क्या दीदी, जब भी लड़का देखने जाती है तो आइसक्रीम खिलाती हो। तो कौन है वो लड़की? मैं? और कौन? मुझे तो पहले ही से पता है कि योगी के साथ योग है, शादी हो कर रही, ये समझ लीजिए कि आप बने ही मेरे लिए हैं। बॉय, कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गया है? हो ही नहीं सकता। क्या ये किताब मैं पढ़ने के लिए रख सकता हूँ? मुझे जरा खुद चेक करना है। वैसे भी मैं पढ़ना चाहता था, वर्णन अच्छा करता है। नहीं हाँ पढ़िए, पर किसी और की किताब है, वापस करनी होगी। ओह श्योर ऑफ कोर्स, इनफैक्ट घर आके लौटा दूंगा। ना बाबा ना, घर नहीं। तो मैं अपनी सहेली का पता दे देती हूँ, आप वहीं वापस कर दीजिएगा। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा अब चलती हूँ, बेचारा परेश आइसक्रीम खा कर ठंडा हो गया होगा। आई नो, सी यू सून। हाँ जल्दी मिलेंगे, अब तो जीवन भर का साथ है। हम्म
अनिला कांबल। हाय हाय, किधर चलेंगे साहब? केवल धाम। जल्दी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सोच रहा था कि आप भी अपन के घर चलते तो। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, एक मिनट। जल्दी करो मगरलाल, मेरी अपॉइंटमेंट है। कोई वादा नहीं योगेश भाई, अब बीच देखो कबाल, अपुन का नाम है मगनलाल क्या? अरे आप अभी तक यही हैं? नो नो, एक्चुअली क्या हुआ था, दरअसल कल मैं लिफ्ट। श्योर, मेरा अपॉइंटमेंट है वैसे। बैठिए, मैंने तो कल ही कहा था। ओया गाड़ी ठीक हुए तो केवल नाम चले आना। ओके लेट्स गो। ये लातों का भूत बातों से नहीं मानता है क्या? लगता है अमेरिका से आए हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर। हाउ डू यू नो, आपको कैसे मालूम? ये तो आपके चेहरे से ही लगता है कि शादी करने आए हैं। आपको तो सब मालूम है, ज्योतिषी है क्या? नहीं नहीं, ये सब तो आपको देखकर कोई भी बता सकता है। Really? और क्या? तो क्या मैं इंडियन तो ही लगता? लगते हैं, लेकिन फॉरेन रिटर्न। कैसी लगी आपको यहाँ की लड़कियाँ? वेल, ठीक लगी। और वहाँ पर? वहाँ तो लड़के और लड़की में कोई फर्क ही नहीं करता। अच्छा, तो वहाँ शादी क्यों नहीं की? वहाँ की लड़कियों से फ्रेंडशिप तो की जा सकती है। और यहाँ की लड़की से शादी? दहेज कितना ले रहे हो? नो, मैं दहेज लेने के सख्त खिलाफ हूँ। तो फिर किस बेसिस पर? राशियों के बेसिस पर। 12 राशियों की लड़कियाँ देखकर एक को पसंद करूँगा, यू नो। अभी कहाँ जा रहे हैं? बिजनेस ट्रिप, लड़की चुनने? हाँ, एक ऑफिसर लड़के से मिलना है। ओ माय गॉड, क्या हुआ? मुझे जिस जगह जाना था वो तो पीछे रह गया। ओ, तो वापस चले? नो, आप यहाँ रोक दीजिए। यहाँ। अच्छा। थैंक यू फॉर द लिफ्ट। ओके बाय। आपका नाम? नाम का पता नहीं, पता भी लापता। मकर राशि की बाला का ध्येय है विपुल धनराशि प्राप्त कर स्वयं के जीवन और आसपास के वायुमंडल व दाम्पत्य जीवन का स्वेच्छापूर्वक संचालन करना। देखे नहीं चलते अंधा है क्या? मकर बाला की मुद्रा ध्येय धर्म और आचार सिद्धि धर्म। वो कीर्ति शिरोडकर से मिलना है। अपॉइंटमेंट? हाँ है, अपॉइंटमेंट है। What's that? No, मैं अमेरिका से आया हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है अभी दोपहर का मुझे। I know. Imported है? Yeah. Hey, listen. Please sit down. Hi. Vaya Patel, Yogesh Patel. आप मिस कीर्ति?
नाम? अभी बताया ना? फिर भी? ना वाई आई पटेल, योगेश पटेल. फादर्स नेम? आई सी पटेल. आई सी पटेल. एज? 65. योर्स? हो 27. क्वालिफिकेशंस? एमबीए. खाना बनाना आता है? वेल सॉर्ट ऑफ, लेकिन ये सब आप पूछ क्यों रही है? मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया हूँ. यू नो, मुझे मालूम है शादी का मामला जॉब से भी ज्यादा सीरियस होता है. या यू गॉट अ पॉइंट देयर. देखो ऐसा है, अमेरिका में हमारा एक बिजनेस है जो तेजी से चारों तरफ फैल रहा है. उस बिजनेस को संभालने के लिए हमें जरूरत है एक कमसिन आदमी की, जो कि तुम हो. एक ऐसा इंडियन जो अमेरिका में सेटल्ड है, जो कि तुम हो. एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी, वो भी तुम हो. इसका मतलब है आप अमेरिका में सेटल होना चाहती हैं? मुझे पता था कि तुम उतने ही समझदार हो जितना तुम्हें बनना चाहिए. एक छोटा आदमी जो बड़ा बनना चाहता है. वो तो मैं चाहता हूँ. गुड, तुम एक आदर्श पति साबित होगे. लेकिन मुझे करना क्या होगा? सबसे पहले तो शादी, चाहो तो धूमधाम से, चाहो तो कोर्ट में, पर शादी होगी यहीं इंडिया में. उसके बाद मैं अपना दूल्हा अमेरिका ले जाऊंगी. और तुम्हारे पिता माता अगर दहेज भेज चाहते हो तो वो भी मैं दे सकती हूँ. नो 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 दहेज, मैं डावरी के सख्त खिलाफ हूँ. गुड, अपने ही पैसों से अपने को दहेज. मींस? मींस मेरा पैसा तुम्हारा भी होगा 10%, और ये 10% करोड़ों में होगा. रुपया नहीं, डॉलर्स. पानी? नो नो थैंक यू. गुड, और हाँ फिलहाल शादी के बाद 3 महीने तक मैं यहीं रुकूंगी. चाहो तो तुम मेरा वेट कर सकते हो, चाहो तो तुम वापस अकेले जा सकते हो. नो नो, मुझे तो वापस जाना ही होगा. यू नो मेरी स्टडीज, मेरा जॉब. जॉब आपकी तुम क्या फिक्र करते हो? फिर भी अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हारी मर्जी. वैसे मैं सोच रही थी कि तुम मेरे बिजनेस से जुड़ जाते. वेल वो सब बाद में, लेटर. पहले ये सब फाइनल तो हो जाए. हो जाएगा, हो जाएगा. जाएगा कहाँ? लेकिन ये अपना कैसा चलेगा? मतलब अगर ये शादी का पक्का हो गया तो? सुन लो तुम, हस्बैंड की हैसियत से तुम्हारी क्या ड्यूटीज हैं और तुम्हारी क्या अधिकार होंगे मैं बताती हूँ. शादी के बाद तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स रखने की इजाजत है और मुझे अपनी बॉयफ्रेंड्स की. मैं अपनी कंपनी की चेयरमैन बनने वाली हूँ तो वक्त बहुत कम मिलेगा, तो घर की देखभाल तुम्हें करनी पड़ेगी. राशन पानी का इंतज़ाम, नौकरों की तनख्वाह, बिजली पानी के बिल, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब कुछ. और कुछ? हाँ, अगर कुक ने छुट्टी ले ली तो कुक भी करना. लेकिन ये सब तो मुझे आता नहीं. आ जाएगा, आ जाएगा, सब यहीं तो आके सीखते हैं. पानी? मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मुझे आदमी पहचानने में देर नहीं लगती. और हाँ, अपना कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होगा. पहले साल तुम्हें $1,00,000 अलाउंस मिलेगा, दूसरे साल 3 लाख, और तीसरे साल 10. अगर तुमने लगन से एक आदर्श पति की भूमिका निभाई तो तुम्हें 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और इस दौरान पॉकेट अलाउंस के अलावा तुम्हें मेरे बिजनेस में 10% की पार्टनरशिप. ये आप सच कह रही? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ये 5 साल अगर तुम झेल गए तो डाले मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए. मेरा सारा बिजनेस, मेरा सारा ब्लैक, मेरा सारा व्हाइट, तुम्हारा. इसको जरा साइन कर दो. मैं अभी आया. सॉरी योगेश भाई, अपन को जरा आंख लग गया था. क्यों, रात भर सोए नहीं? नहीं, रात भर अमेरिका के सपने देखता रहा, एक मिनट को भी नहीं सो सका. कमाल है, सपने भी आते रहे और सोए भी नहीं.
नेताओं ने कोसा फटकारा और योगी ने दहेज की बुराइयों पर जोर दिया। रहस्यमय महिला अनिला कामदार का पर्दाफाश करने के लिए सेठ धीरू भाई का पटेल परिवार पर दबाव। नक्षत्रों में पहले से उलझे योगी गुलाम पर पद्मा बेगम की मात जाल। कुदरत का करिश्मा, उसी अनजान लड़की ने उसी सिचुएशन में योगी को अपनी लूना पर लिफ्ट दी। मैडम कीर्ति शिरोडकर ने मिस्टर योगी को 2-3-5 का ऐसा प्रस्ताव दिया कि सुनते ही योगी 9-2-11 हो गए।